initialization are encoding in artificial immune systems. किसी भी बेसिक आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले चार इम्पॉर्टेंट डिसीजंस करने ज़रूरी है. नंबर वन, इनकोडिंग स्कीम को डिफ़ाइन करना कि जो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें कौन सी इनकोडिंग स्कीम जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और ये स्कीम को डिफ़ाइन करना हमारे इस मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव है. इसके बाद सिमिलरिटी मेजर को डिफ़ाइन करना. तीसरे नंबर पर सिलेक्शन परफॉर्म करना लाइक अदर ह्यूरिस्टिक जेनेटिक एल्गोरिदम्स और म्यूटेशन ऑपरेटर परफॉर्म करना. ये चार बेसिक डिसीजंस जो है ये करने होंगे वाइजली किसी भी बेसिक आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले. ये चार बेसिक डिसीजंस और इन चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है. एक दफ़ा जब कोडिंग डिसीशंस फिक्स हो जाए और सूटेबल सिमिलैरिटी मेजर चूज़ कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर एल्गोरिदम जो होगा इट विल बी एबल टू परफॉर्म सिलेक्शन एंड म्यूटेशन. क्योंकि म्यूटेशन और सिलेक्शन जो है ये दोनों बेस कर रहे होंगे कि पहले इससे पहले जो दो डिसीशंस है वो इससे पहले कर लिए जाए, और जब वो जब तक नहीं होंगे तो सिलेक्शन और म्यूटेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते. ये जो दोनों क्राइटेरियाज है, जो सिलेक्शन है और जो म्यूटेशन है, दे आर बेस्ड अपॉन द सिमिलरिटी मेजर्स, और तब तक ये उसके ऊपर बेस कर रहे होंगे जब तक सिस्टम जो है वो टर्मिनेशन क्राइटेरिया की तरफ ना जाए, और टर्मिनेशन क्राइटेरिया जब तक अचीव नहीं हो जाएगा तब तक सिस्टम जो है वो बेस्ड अपॉन द सिमिलरिटी मेजर ये सिस्टम के अंदर सिलेक्शन और म्यूटेशन करते रहेंगे. बिफोर गोइंग इनटू द फर्दर डिटेल्स, चूँकि आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम जो है ये मेटाफोर यूज़ कर रहा है बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम का. बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम में दो टर्मिनोलॉजीज़ बड़े इम्पॉर्टेंट यूज़ होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी का. सबसे पहले हमने इन टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डोमेन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम में एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडी क्या होगा. बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम में हमने हाईलाइट किया, रिफ्रेश किया अपने कॉन्सेप्ट को कि जो एंटीबॉडी है वो सिस्टम के अंदर से इम्यून सिस्टम वो प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट अ सर्टेन इंट्रूडर फ्रॉम द आउटसाइड, और जो एंटीजन है दिस इज़ बेसिकली दैट आउटसाइडर इंट्रूडर विच इज़ अटैकिंग द सिस्टम फॉर काजिंग सम डिजीज और अदर प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम. अब यहाँ पे हमने इन दोनों को एक्सप्लेन करने के आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम में इस एल्गोरिदम में जो इनपुट आएगा और जो सिस्टम मैनिपुलेशंस करेगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एंटीबॉडी क्या होगी, किसको कहा जाएगा, और एंटीजन किसको कहा जाएगा. टिपिकली जो एंटीजन होता है दिस इज़ द टारगेट और द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल द डेटा आइटम वी नीड टू चेक टू सी इफ इट इज़ एन इंट्रूजन आर द यूज़र दैट वी नीड टू क्लस्टर फॉर और टू मेक अ रिकमेंडेशन फॉर. तो वो जो जो भी कंपोनेंट होगा इसको हम कहेंगे एंटीजन. जो टारगेट होगा या सोल्यूशन जो है उसको हम एंटीजन कहेंगे इस प्रॉब्लम डोमेन में. और जो एंटीबॉडी है एंटीजन के अलावा, क्योंकि सारा तो है ही डेटा ही है, तो जिस जो टारगेट डेटा है उसको हमने एंटीजन कहा. जो रिमेनिंग डेटा उस सिस्टम के अंदर जो रह जाएगा, जो एंटीजन नहीं होगा, वो सारा जो होगा वो एंटीबॉडी कहलाया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूज़र जिसके मुताबिक हम रिकमेंडेशन या क्लस्टरिंग या जो भी मैनिपुलेशन है हम जिसके अगेंस्ट नहीं कर रहे, अदर यूज़र्स इन द डेटा बेस, जो भी रेस्ट ऑफ द डेटा है इन द डेटा बेस, दैट विल बी द एंटीबॉडी, दैट विल बी कॉल्ड एज द एंटीबॉडी, रिगार्डेड एज एंटीबॉडी इन द सिस्टम. ये पॉसिबल है कि सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा एंटीजन मौजूद हो. कभी कभी इस तरह भी हो सकता है, कभी कभी एक एंटीजन भी हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है. हाँ, ये ज़रूर है कि सिस्टम के अंदर वक्त मल्टीपल एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं.
तो एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस की ये जो नंबर्स है इसको भी हमने देखना ज़रूरी है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का मल्टीपल होना बहुत ज़रूरी है। एंटीजन चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो सकता है सिस्टम के अंदर। अब हमने अगर आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम में हमने एंटीजन और एंटीबॉडी की इनकोडिंग करनी है सिस्टम में, क्योंकि जब तक उसकी इनकोडिंग नहीं करेंगे सिस्टम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा और हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों जो है उनकी जो इनकोडिंग है इट कैन बी परफॉर्म्ड इन द सेम वे। मोस्ट ऑब्वियस इनकोडिंग जो है दिस इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स आर वैल्यूज़, जिस तरह हमने बाकी अलगोरिदम्स में प्रीवियस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कि जो इनकोडिंग स्कीम है वो मुख्तलिफ अलगोरिदम मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। कोई स्ट्रिंग में यूज़ करता है, कोई ट्री में यूज़ आर्किटेक्चर में यूज़ करता है। यहाँ पे जो है मोस्ट ऑब्वियस जो इनकोडिंग यूज़ होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स या स्ट्रिंग ऑफ फीचर्स की जो इनकोडिंग है वो स्कीम यूज़ होता है आमतौर पर। और जब अगर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो फिर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की अपनी कोई लेंथ होगी। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द डेटा। और जो उस स्ट्रिंग के अंदर जो वेरिएबल्स की पोजीशन है या जो वेरिएबल की जो पोजीशन उस स्ट्रिंग के अंदर है वो हमें क्या बताएगी, वो उस वेरिएबल का हमें आइडेंटिफायर शो करेगा और उसकी वैल्यू को शो कर रहा होगा। मतलब किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जो भी वेरिएबल होगा वो उस वेरिएबल का आइडेंटिफायर होगा और उसकी वैल्यू होगी, वो चाहे 0 हो या 1 है। अगर हमने बाइनरी में यूज़ किया हुआ है तो बाइनरी में 0 1 होगी, अगर हमने वैल्यूज़ में यूज़ की हुई है तो फिर कोई और रियल वैल्यू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ 5-वेरिएबल बाइनरी इनकोडिंग इन अ स्ट्रिंग। इसमें 5 वेरिएबल्स है, 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएबल इसके अंदर है। सो दिस इज़ अ 5-बाइनरी वेरिएबल स्ट्रिंग प्रॉब्लम। इसमें ये जो इसकी लेंथ है द लेंथ इज़ इक्वल टू 5, ये उसकी लेंथ जो है वो द नंबर ऑफ वेरिएबल के शो कर रहा है कि इस इनकोडिंग के अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वेरिएबल्स है। सो द लेंथ इज़ शोइंग द नंबर ऑफ वेरिएबल। अब इसके अंदर जो वेरिएबल जिस जगह पर है उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन उसके आइडेंटिफायर को शो कर रहा है कि इसका आइडेंटिफायर क्या है, प्लस उसकी वैल्यू को भी शो कर रहा है कि इस पोजीशन के ऊपर वैल्यू क्या है। दैट वैल्यू कुड बी इधर अ बाइनरी वैल्यू और सम अदर कंटिन्यूस और रियल वैल्यू, लाइक वो कुछ भी हो सकती है। दिस इज़ द बेसिक इनकोडिंग इनिशियलाइजेशन स्कीम फॉर द बेसिक आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम। अब एक दफ़ा जब इनकोडिंग स्कीम डिफाइन कर लिया जाएगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज़ होगा सिलेक्शन मेजर्स को चूज़ करना और फिर रेस्ट ऑफ द स्टेजेस सारे डिसीशंस करके उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। सो इनकोडिंग इज़ द वेरी बेसिक स्टेप एस इन अदर जेनेटिक और बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन एल्गोरिदम्स।